अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हिमायत अली और आप देख रहे हैं फुरकान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन को दबा के आज का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, आज हम डंकी पम्प लेके आए हैं कि डंकी पम्प किस तरह काम करता है। तो आज चलिए हम देखते हैं ये इसकी लॉजिक क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। मोटर का काम आप लोगों को पता है क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिकल पावर आती है, इस वायरों के ज़रिए 220 मोटर घूमने लगती है। मोटर घूमते ही इस बेल्ट के ज़रिए अब मैकेनिकल पावर में ट्रांसफ़र शुरू हो जाती है। मैकेनिकल पावर में ट्रांसफ़र शुरू होते ही यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, इस टाइप का होता है पिस्टन, जिसमें ये रिंग आगे व्हील लगता है। वो पिस्टन, ये वाला पिस्टन है जिसमें ये आगे रॉड लगा हुआ होता है। ये रॉड ये इस तरह घूमता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। ये आप देख सकते हैं इसमें नज़र आ रहा है, ये हम इसको घुमाएंगे, ये घूम रहा है, ये आप देखें आगे पीछे हो रहा है। जब ये ज़्यादा स्पीड में घूमता है तो और ज़्यादा स्पीड से ये आगे पीछे होता है, ज़्यादा स्पीड से आगे होता है, इससे आगे ये ऐसे घूमता रहता है। इसमें इस तरह एक गिलास होता है, उसमें इस तरह पे बोगी लगती है। बोगी ये इस टाइप की बोगी होती है जो इसके अंदर फिट होती है, जो इसको आगे पीछे चलाती है। यहाँ पे इस साइड पे गिलास होता है जो ये आगे पीछे होती है। ये आप देख सकते हैं गिलास की तस्वीर मैंने भी लगाई हुई है, ये देखें इसका अंदरूनी हिस्सा है। इसमें ऐसे होते हैं, उसमें ये प्लेट लगती है, सारा दारोमदार इस प्लेट पे होता है। ये सारा लॉजिक इस प्लेट में होता है, ये जो साइड पे हेड के नीचे लगती है। वाइड नज़र भी आ रही है, होगी आपको। ये इस तरह काम करते हैं, ये बोगी को चलते होगी। ये आप देख सकते हैं इसके, ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है। ये छोटी वाली साइड जो होती है व्हील वाली साइड पर होती है। आप टेस्टर में आप मेरी उंगली को देख सकते हैं, ये ऐसे रख के मैंने निशान साइड पे रखा, अब दूसरी साइड पे रखा है। ये देखो उंगली कहाँ पे आ रही है, ये घुमा के साइड पे रखा है। ये एक सेंटीमीटर का तकरीबन फर्क है इसमें। जो ये छोटी वाली साइड होती है ये व्हील वाली साइड पे आती है, यहाँ से पानी खींचते हैं। और इसके नीचे जो लगा हुआ होता है बोगी और यहाँ पे पिस्टन, ये पानी इसके अंदर ऊपर आता है। यहाँ से इस साइड पर इसके भी दो हिस्से होते हैं, ये सक्शन वाला और ये डिस्चार्ज वाला, इसमें दो हिस्से होते हैं। अब ये इसके नीचे जब यूँ उस तरफ जाता है तो पानी बाहर की तरफ खींचता है, और जब पीछे की तरफ आती है तो ये सक्शन की वजह से पाइप को पानी को बाहर खींचता है, उस तरफ आगे बाहर आता है, खींचता है और वहाँ से फेंकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जब यूँ आया तो पानी बाहर फेंका इस साइड से, उस साइड से खींचा, सही है। जब ये मोटर पिस्टन उस तरफ जाता है, यहाँ से पानी खींचता है और वहाँ से, जब पिस्टन यूँ गया यूँ चलता रहता है और ये पानी खींचता रहता है और फेंकता रहता है, खींचता रहता है और फेंकता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।